हम लोग अभी फाइनली तपोवन में पहुंच चुके हैं और तपोवन के वहाँ जो एक पहाड़ है, जिस पहाड़ से हनुमान जी फट कर निकले हैं, कहा जाता है यहाँ पे एक कथाएँ हैं कि जो पहाड़ यहाँ पर है तपोवन में, यहाँ से ये पहाड़ फट के हनुमान जी निकले थे। तो इसी पहाड़ के ऊपर हम लोग पहुँचे हैं, यहाँ हनुमान जी के मंदिर के पास जाने वाले हैं। अभी हम लोग लगभग ग्राउंड से 200 फीट ऊपर पहाड़ी पर है और यहाँ पर जो है हनुमान जी जैसा ही दिखने वाला ये बंदर है और यहाँ बहुत सारे लोग हैं। ये लोग यहाँ से जो लोग घूमने आते हैं, पुण्यार्थी होते हैं, वो सारे लोग वहाँ उन बंदरों को कुछ कुछ खिलाते रहते हैं, जैसे छोले हो गए, बादाम हो गए, या वहाँ से वहाँ पर ही मिलता है खाने के लिए सामान। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर पत्तियाँ भी वहाँ पर बेचता है और उन्हीं से किन किन के खरीद खरीद के वहाँ पर खिलाया जाता है। तो हम लोग बादाम लेके आए थे खिलाने के लिए इन लोगों को। और लगभग जो ग्राउंड है, हम लोग पहाड़ में 200 फीट ऊपर में हैं और इससे और थोड़ा ऊपर जाना है, लगभग 30 फीट और ऊपर जाना है। तो हम लोग सारे लोग साथी लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं ऊपर मंदिर पे। आप लोग का अगर पूरा वीडियो देखना है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं अगले वीडियो में डाल दूँगा पूरा का पूरा वीडियो। देवघर से जाने तक और घर वापस आने तक इस 8 दिन का सफ़र में क्या क्या हुआ, मैं पूरे का पूरे वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ।